हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फूड फॉर लाइफ। आज मैं शेयर कर रही हूँ 5 डे ब्रेकफास्ट आइडियाज। ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी मील का, लेकिन वर्किंग डेज पे कभी कभी हमें आइडियाज़ नहीं आते हमें क्या बनाना है क्या नहीं। इस वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ कि इन 5 डेज में हमने क्या बनाया। तो चलिए शुरू करते हैं। मंडे यानी कि वीकेंड के बाद का पहला दिन। इस दिन तो हम बहुत ज़्यादा लेज़ी होते हैं और 2 दिन की जो हमारी एक वेकेशन मोड होता है वो ख़त्म हो चुका होता है। यहाँ पे मैंने बनाया था ब्रेड ऑमलेट। इजी सी रेसिपी है और इसमें ज़्यादा कुछ इंग्रेडिएंट्स भी नहीं डलते हैं, बहुत जल्दी बन जाती है। तो मंडे हमने खाया ब्रेड ऑमलेट। साथ में चाय भी बनने रखती है और ऑमलेट यहाँ पे बिल्कुल रेडी है। ये एकदम प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट है। साथ में ब्रेड में कार्ब्स होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और थोड़े से देसी घी में बना हुआ ये हमारा आज का ब्रेकफास्ट ब्रेड ऑमलेट रेडी है। ट्यूसडे को मैंने बनाया था दाल पराठा। उस पर मैंने थोड़ा सा मिक्स करा था रागी का आटा ताकि वो एक मल्टीग्रेन वाला फ्लेवर आए, टेस्ट आए उस पराठे में। बहुत जल्दी बन जाता है दाल पराठा और दाल पराठा की रेसिपी ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे दी हुई है। जब भी कभी दाल बच जाए तो आप उस लेफ्ट ओवर दाल को पराठा बना के यूज़ कर सकते हैं। दाल पराठा बनके रेडी है। आप बटर या अचार के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। वेडनेसडे यानी मिड ऑफ द वीक। इस दिन मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया था बेसन का चीला, जिसमें मैंने प्याज, थोड़ी सी अजवाइन, नमक और लाल मिर्च को डाला था। आप चाहें तो अपनी पसंद की वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। ये एक प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट है और इसको हमने ब्रेड स्लाइस के साथ खाया था। ये बेसन का चीला मैं देसी घी में बनाती हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से हमने रिफाइंड का जो यूज़ है वो थोड़ा सा कम कर दिया है अपने खाने में, क्योंकि रिफाइंड ऑयल अच्छा नहीं होता हमारे लिए। आप ये बेसन का चीला किसी भी दिन ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही जल्दी बन जाता है। बनके रेडी है यम्मी एंड क्रिस्पी बेसन का चीला। थर्सडे को हमने बनाई थी इडली। बहुत ही ज्यादा लाइट और इजी ब्रेकफास्ट है ये बनाने के लिए, अगर बैटर आपने ऑलरेडी बना के रखा हो। मैं हमेशा अपने लिए बैटर रेडी रखती हूँ
क्योंकि मुझे वंस इन अ वीक इडली या डोसा खाना बहुत पसंद है ब्रेकफास्ट में। डोसा से मेरा मतलब ये नहीं है कि उसमें आलू डला हो, बट येस प्लेन डोसा आई ऑलवेज प्रेफर फॉर ब्रेकफास्ट। और बैटर हमारे पास जब रेडी होता है तो ब्रेकफास्ट बनाना बहुत इजी हो जाता है। आप अलग अलग तरह की इडली भी ट्राई कर सकते हैं उस बैटर से। तो यस, इट्स अ टिप कि आप ब्रेकफास्ट के लिए बैटर हमेशा रेडी रखें अपने फ्रिज में। आजकल तो मार्केट में भी बहुत इजीली अवेलेबल है डोसा इडली का बैटर, बट यस मैं घर पे ही बनाती हूँ। आप चाहें तो मार्केट से भी ले सकते हैं। इडली स्टीम होने में 10 से 12 मिनट का टाइम लेती है और 10 से 12 मिनट में हमारा ये ब्रेकफास्ट बनके रेडी हो जाता है। तो आप एक वीक में तो ये ज़रूर बना सकते हैं, इडली या इडली के साथ चटनी, इडली सांभर, कुछ भी जो भी आपको इजी लगे। ये बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट आइडिया है। इडली में ऐसे प्रोबायोटिक्स होते हैं जो हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो ऐसे फर्मेंटेड फूड वंस इन अ वीक ज़रूर खाना चाहिए हमें। साथ में कोकोनट चटनी बनाई थी, कोकोनट चटनी की रेसिपी भी मैंने चैनल पे दी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो थर्सडे के लिए बनके रेडी है इडली एंड कोकोनट चटनी। फ्राइडे यानी वीक का सबसे बेस्ट डे, क्योंकि नेक्स्ट होता है वीकेंड। फ्राइडे को मैंने बनाया गोभी का पराठा। गोभी विंटर्स में बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की आती है और गोभी का परांठा बहुत जल्दी बन जाता है। गोभी के परांठे में मैंने थोड़ा सा नमक और अजवाइन ऐड करी थी। अजवाइन हमारे को हेल्प करता है डाइजेस्ट करने में। इस तरह के अच्छे अच्छे हेल्दी ब्रेकफास्ट आइडियाज को फॉलो करके आप भी वीक में अपने ब्रेकफास्ट को प्लान कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।